चलो देर हो रही है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? खेत में बहुत सारा काम है बेटे, याद है ना? जो लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखना। स्टोन ब्रिज जा रही हूं, वो जगह सबसे महफूज है। लोग पापा को किसान क्यों कहते हैं? उनका कोई नाम नहीं है। उनका मानना है लोगों की पहचान उनके काम से होती है। नॉरी क्यों ने स्टोन ब्रिज लाए थे जब वो बहुत छोटे थे? तो चाचा उनके पापा हैं? सारे शहर ने इन्हें अपना लिया, अलग अलग परिवारों ने अलग तरीकों के साथ, पर नॉरिक ने इनका काफी ख्याल रखा। मैं भी इनका ख्याल रखूंगा, मुझे इनसे बहुत प्यार है। मुझे भी। क्या हुआ बताओ महाराज को, क्या हुआ था? मेरे मालिक क्रग, वो वैसी है, वो दरिंदे, वो तलवारों से लड़ते हैं। ये सब बकवास है, बकवास। तुम्हारा मतलब कुत्ते तलवार चलाते हैं? छोड़ो। वो इंसानों जैसा मारते हैं। उन्होंने हमारे खोजी दस्ते का सफाया कर दिया। अगर जनरल ने मुझे खबर देने ना बुलाया होता तो मैं भी मारा जाता। ये जरूर कोई जादू टोना है। ठीक है तो फिर कल आके ले। बैठी ये सब्जी कैसे दी? ये मूली। हाँ जी, मतलब आप तो रोज भाव बदलती रहती है। भी दो। शुक्रिया। अभी खाली है और गरम भी। अब हम तुम्हें कच्चा तो नहीं खा पाएंगे, है ना? मुझे क्यों खाएंगी? तुम्हारे नाना जी से आज मैंने वादा किया था कि उनके पसंद की चीज पकाऊंगी। बाजार में कितना माल बिका आज? कुछ खास नहीं, मर्दों ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं औरत हूँ।
तो उनसे मैंने ज्यादा पैसे ऐंठे क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तुम में हिम्मत है, तुम एक नेता की तरह काम करती हो। नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए और इसमें इतनी हिम्मत तुम्हारे पिता से मिलने के बाद आई है जो किसी के सामने झुकते नहीं। घंटाघर में उनसे मिलने जाऊं? पर तुम्हें वहाँ काफी चौकन्ना रहना होगा। घंटाघर लड़ाई के मकसद से बना था, तुमने गलत रस्सी खींच दी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत ही अजीब है। गलत जानवर होते हैं, इनके पास ढाल और तलवार नहीं होते। मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए नॉरिक। कहाँ जा रहे हो? स्टोन ब्रिज, सोलाना जेप वहाँ गए हैं। मैं भी साथ आता हूँ। दामाद नहीं आया? नहीं, उन्हें खेत में बहुत काम था इसलिए मैं आ गई। तुझे अच्छा पति मिला है, तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मियां बीवी राजी हो जाएं, तब सारे गांव को बताने के लिए 5 बार घंटा बजाना होता है कि शादी हो गई। जाइए, अभी जाइए, देव को लेकर घर जाइए, जल्दी कीजिए, आप ही इसे बचा सकते हैं, सिर्फ आप। चलो बच्चे। तो तुम तैयार हो मोतर? हमेशा तैयार रहती हूँ। रुको, इतनी जल्दी हार मान ली? तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, काबिले तारीफ हो। काश साहब के पास तुम्हारे जैसे सिपाही होते। मुझे अपनी फौज में ले लो, फिर देखो। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता कि ऐप की फौज में औरतों के लिए जगह है या नहीं, और फिर तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं करने देते। यारिश, अपने आदमियों को तैयार करो, ट्रक की फौजें हमारी जमीन निकल रही हैं। ये गर्मी मुझे जलाकर राख कर देगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो कहा गया है वो करो। मैं सिर्फ राजा की सुनता हूँ। लगता है तुम्हें इज्जत करना सिखाना ही पड़ेगा। इज्जत कमाई जाती है। सोच कितनी गलत है। इज्जत मेरा जंजाल हक है। Oh!
भागो, हम सबको मार डालेंगे। जान बचाओ। सोलाना कहाँ है? वो घंटा बजा रही है। घबराओ मत सर, तुम्हारी मां खुश है। पापा। बैठे। मेरी तलवार ले जाओ। अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। चलो अंदर चलो। शुक्रिया बाबा। जाओ। एक आदमी की इतनी हिम्मत ना? एक बार तो मार ही चुके और हाँ हम फिर से यहां मिल रहे हैं।
मुझे सोलाना के लिए चौथा भी चाहिए। सोलाना को किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कहां है, उसकी लाश भी नहीं मिली, शायद वो बच गई है। इनकी बात सही है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं कहीं उलझ गया था बुरी तरह। हमने एक समझौता किया था, मैं तुम्हें महल में घुसने दूंगा ताकि हम साथ मिलकर काम कर सके। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाल के हादसों में मैं किस कदर उलझा हुआ था। हाँ, मानता हूं तुमने हालात में हलचल पैदा कर दी। सिर्फ हलचल पैदा की? ये बताओ ट्यूब, तुम फार्मर नाम के आदमी के बारे में क्या जानते हो? स्टोन ब्रिज के लोगों, एफ की फौज को तुमसे हमदर्दी है। इस हादसे का बदला लिया जाएगा। उस समय आपकी फौज कहां थी जब क्रक हमें मार रहे थे? खामोश, तुम भूल रहे हो कि तुम किस से बात कर रहे हो। तुम्हारी कौम ने तुम्हें राजा के सामने झुकना नहीं सिखाया। मेरे कौम के राजा ने सेना को लोगों की हिफाजत करना सिखाया, ना कि महलों की। जिन्हें क्रक ले गए, उन बदनसीबों का क्या होगा? क्रक बंदी बना के ले गए? शांत हो जाओ, ये बताना मुश्किल है कि क्रक बंदी बनाकर ले गए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका क्या मकसद है। राजा की फौज में हर उस आदमी की जरूरत है जो लड़ने के काबिल है। तो कौन है हमारे साथ? उनका भी वही हाल होगा। राजा की सेना तो सिर्फ चार दीवारों के लिए, लेकिन जिन्हें क्रग ले गए उन्हें हम छोड़ेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा का हुक्म टालो? मैं आपके साथ हूँ। सिपाही, उन्हें जाने दो, हमारा यही तरीका है। तुम्हारा राजा के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मैं भी क्या करूं, वो मेरी बीवी और मेरी बहन। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। यहीं रुको, सेना के साथ ऐप चले जाना। तुम एक सिपाही की जिंदगी जीना चाहते थे ना? ना, मुझे वर्दी पहनना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास घोड़ा है? घोड़ी है? बूढ़ी है पर ताकतवर है। बूढ़ा हूं पर ताकतवर हूं। रास्ता क्यों रोक रहे हो? लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। कुछ प्यारी सी बातें करो, बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम जानती हो मैं मेरिक हूं, राजा का जादूगर। हां जानता हूं, मैं बच्चों की परिकथाओं में पढ़ा है। राजा को तुम्हारी जरूरत है। हां, मेरे बेटे को भी मेरी जरूरत थी, पर उसे बचा ना पाया, और अब जरूरत मेरी बीवी को है, अगर वो जिंदा है तो। तुम्हें कभी लगा है फार्मर कि यहां हमारे आसपास हमारी निजी जिंदगियों और दुखों से बढ़कर कुछ ज्यादा ही संगीन घटनाएं घटती जा रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंदा रहने की कोशिश करो, राजा को जरूरत है तुम्हारी, उनकी खुद की सोच से कहीं ज्यादा। इस फूल के बारे में इतना कैसे जानते हो? जब मैं बच्चा था तो यहां मौज मस्ती किया करता था, कितने हसीन थे वो पल। अगर घूम कर गए तो एक दिन कमा देंगे। तो फिर क्या करें?
हम पार कर सकते हैं। घोड़ों पर से चेन उतार लो। क्या मतलब? क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्यों, ये बुरा मान जाएंगे क्या? चलो घर जाओ। जाओ, जाओ। चलो तैयार हो जाओ। आपकी बहादुरी की दाद जब तक मैं दूसरी तरफ पहुंच न जाऊं, बस ये डेली मत करना, समझे? आ जाओ। अरे रुके क्यों हो, चलो। मेरी फिक्र छोड़कर अपने घोड़ों की फिक्र करो। घोड़ा तो मुझे पसंद है, पर आपके बारे में नहीं जानना। मुझे जानना है तो थोड़ा इंतजार करो। माफ कीजिए महाराज। घुटनों पर झुको सिपाही। पहरे पर कितने आदमी हैं? मैं अकेला हूं महाराज। तो तुम पहरे पर हो? कितनी शैतानी करते हो। देखो मुझे, मैं तुम्हारी मां से शिकायत कर दूंगी। अरे तुम कहां भाग रही हो? मेरा भतीजा मौजे उड़ा रहा है, वो भी सिंहासन पर। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम खेल रहे हो जबकि तुम्हारा राजा अपनी फौज के साथ जंग के मैदान में है, और तुमसे महल की हिफाजत तक नहीं हो रही है। यहां पर कोई पहरेदार नहीं है। महाराज मुझे माफ करें, मैं तो बकाया वसूल की जांच कर रहा हूं। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। चुपचाप चलो। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी जूती चाटने के काबिल भी नहीं हो। और तुम अपने चाचा के जूतों के धूल के लायक भी नहीं हो। ना, जब तक राजा हुक्म नहीं देते, तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। राजे का कानून तो मैंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। चीजें हमारे हिसाब से ही हो रही है। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं इस रोज रोज की होने वाली अपनी बेइज्जती से तंग आ चुका हूं। तो जो होता है अब होने दो। तुम्हें काम में तेजी लानी है? ठीक है, हम तेजी दिखाएंगे। बढ़िया।
एलिन, तुम हमेशा कहीं से भी टपक पड़ते हो। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं बड़ी शराफत के साथ आता हूं। तुम शराफत से आते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो क्या अब हमारे बीच वो पहले जैसी बात नहीं रही? तुम्हें अपनी मर्जी से आने जाने का कोई हक नहीं, और वो भी बिना एक लफ्ज बोले। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो मुझे चुपचाप आना पड़ता है, मैं किसी गैर का दरवाजा खटखटाकर नहीं आ सकता। तुम यहाँ इस तरह मत आया करो चुपके। तुम जानते हो मेरे पिता तुम्हें राजा का दुश्मन मानते हैं। मेरे भी दोस्त हैं जिनका यहाँ दबदबा है। मेरे पिता तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो गलत फैसला नहीं करते। बस करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं राजा और उसके चेलों के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाता, क्योंकि मैं वो छीन लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने तुम्हारा दिल छीना। निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से भी। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही, जबकि हमने कितने काम साथ किए। क्या मैंने तुम्हारी ताकत और काबिलियत को नहीं पढ़ाया? सिर्फ सपने देखना और हाथ की सफाई सिखाई हो चुका। महाराज, मैंने आपके हुक्म को गलत समझा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। गलती तो तुम्हें एहसास हो गया? जी। क्या मैं बैठ जाऊं अगर आप कहें तो? जल्दी लाओ, मैं जानता हूं। जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने आपके भरोसे को कई बार तोड़ा है, और शायद मैं इस पूरे राज्य के लिए एक जिल्लत भरा चेहरा बनकर रह गया हूं, पर मैं बदलूंगा खुद को। मैं इस मुश्किल के समय में अपना बचपना छोड़कर अपने आप को इस राज्य का काबिल वारिस बनकर दिखाऊंगा। खाओ। तुम में काबिलियत है भतीजे, तुम बातें बहुत अच्छी बनाते हो। तुम में कुछ खास बात तो है। क्या मैं एग्जाम पेश करूं? हाँ शायद, लेकिन सुबह सुबह शराब पीना सुधार की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। महाराज की उम्र लंबी हो। क्रग ने स्टोन ब्रिज पर पिछला हमला दक्षिण से किया था। हाँ, और ये सूखी जमीन उन्हें उत्तर के दलदल में ढकेल देगी। तब हम हमला करेंगे। ये तभी होगा जब क्रग वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, कोई भी इन जंगलों में नहीं आता। ये जंगल पहाड़ों के बीच में है और हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन जंगलों में झाड़ियों और पेड़ों के अलावा भी कुछ है, तुम अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते, और यहाँ रात गुजारने का ख्याल भी मत लाना। हम मशाल जलाएंगे। पर मशालें दिखेंगी, क्या फर्क पड़ता है? सुनो, जानते हो लोग क्या कहते हैं, इन जंगलों में खतरा है, यहाँ चुड़ैलें रहती हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला दयालु है, पर उस बात से हमें इस वक्त कोई फायदा नहीं होने वाला मालिक। चलो, हमारा सफर बहुत लंबा है। Thank you.
मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता होगा तो देखेगा ना। तो कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं? पता था ऐसा होने वाला है। हमें नीचे उतारो। खुद उतर जाओ। हमारे जंगल से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमें तुम्हारी मारपीट से नफरत है। हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। तो फिर निकल जाओ और दोबारा दिखना नहीं। देखो हम खो गए हैं। मर्द जात सिर्फ बेकार ही नहीं लाचार भी होती है। महाराज बता दीजिए मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता राजा का हुक्म बजाने गए हैं। बताइए ये क्या हो रहा है? मुझे उनकी जान की फिक्र है। राजा के जादूगरों की कई जिम्मेदारियां होती है। उनकी बेटी अगर राजा के काम में टांग न अड़ाए तो बेहतर होगा। मेरे पिता को लगता है कि मुझे महल में कैद करके रखने से मैं हिफाजत से रहूंगी तो वो गलत है। मैं दरबार में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कर सकती हूँ। अंधेरा इससे हमारे राज्य को खतरा है और ये अंधेरा पैदा हुआ है जादू से। और तुम्हारे पिता को वो जानना है। महाराज करने का तरीका। महाराज तुम्हारे पिता गैलियन लगता है मैं मर जाऊंगा। क्या तुमने राजा के साथ खाना खाया था? क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम जल्दी में हो। ऐसा ही चाहते थे ना तुम? इसीलिए मैंने राजा के खाने में गड़बड़ कर दी। तुमने मुझे जहर दे दिया। तुमने मुझे मार डाला। अब इतने उतावले भी मत करो। मेरे पास हर मर्ज की दवा है। दे दो। अब समझ में आया ना कि यहां पर असली ताकत किसके पास है। मैंने तुम्हारी जान बचा ली। बदले में अब तुम क्या करोगे मेरे लिए? इनको जहर दिया गया है।
ये ठीक तो हो जाएंगे ना? शायद, अगर जहर ज्यादा फैलाना हो तो। गजब हो गया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फैलो सेना की दो टुकड़ियों को अपने साथ लेकर फरार हो गया है। अच्छा, तो अब पता चला कि जहर किसने दिया? चलो उत्तर की तरफ, जहां हमें अपने नए साथी मिलेंगे। हम दोनों की ताकतें मिलकर सदियों तक अमन और चैन कायम बनाए रखेंगे। मुझे तो इसमें गैलियन का हाथ लगता है। तो कमांडर टेरिश ने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कोई और है जो धोखाधड़ी करना चाहता है? सेना का कितना हिस्सा बचा है? एक तिहाई। वैसे मैंने क्रक का जमावड़ा देखा है। गैलियन सेना तैयार कर रहा है, एक बड़ी सेना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अकेला आदमी इतनी बर्बादी कर दे? मेरी अपनी बेटी मेरे दुश्मन का साथ देती है? क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? मैंने उससे प्यार किया है। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। तुमने जादू का पलड़ा उसकी तरफ कर दिया है और तुम्हारी वजह से वो हमें मात दे सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें बाहर वालों से नफरत क्यों है? तुम लोगों को एक दूसरे से नफरत है तो हम तुमसे नफरत क्यों ना करें? हम जंगल में तुमसे, तुम्हारी लड़ाइयों से और तुम्हारी बेकार तरकीबों से दूर रहते हैं। उसके बाद भी तुम यहाँ हो, हमारे पेड़ों को तीरों से घायल करते हो। जख्म तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर ये सच तुम नहीं समझोगे कि इसमें कितना खतरा होता है। हमारा साथ बस यहीं तक था। ख्याल रखना। अब आगे क्या करना है? आप उठ गए? हाँ, मेरी नींद खुल गई। उन्हें क्या पता कि राजा को मारना आसान नहीं है। हम हमला करेंगे। आप आराम कीजिए, आपको जहर दिया गया है, पूरी तरह से आप ठीक नहीं हैं। मुझ में हिम्मत है टेरिश, और मैं होश में भी हूँ। क्रक को हमारे हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, इसलिए हम यही करेंगे। मुझे जहर किसने दिया? मुझे लगता है ड्यूक फैलो ने ही आपको जहर दिया है। और बुरी बात यह कि वो महल छोड़कर भाग गया और साथ में 11वीं और 12वीं टुकड़ी भी ले गया। हम हमला करेंगे सूरज की पहली किरण के साथ। सेना को बुलाओ। कितना समय है हमारे पास? आपकी जिंदगी इस वक्त दांव पर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तुम्हारी जानकारी सही है रनौरे? चिंता मत करो। Shh.
वो यही है नोरिक, मुझे महसूस हो रहा है। लगता है तुम सही हो। अरे अरे पीछे हटो, छोड़ो मुझे, कहाना छोड़ो। बाबा सोलाना, आज हम राजा के लिए लड़ेंगे। क्योंकि वो राजा हमारे लिए लड़े थे। आपकी जीत हो। हुकुम महाराज। सब तैयार। ऊपर वाला उनके साथ है जिनमें खुददारी और सच्चाई हो। मैं बहुत परेशान हूं फार्मर। दाल में कुछ काला है। मैं तुम्हें पढ़ नहीं सकता। मैं सबको पढ़ सकता हूं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। और तुम? और तुम आखिर क्या भला हो? ऐसा क्यों हो रहा है? जो सुलझ नहीं रही। तुम आ गए। मैं जानती थी ये बुरा सपना था। फार्मर कहाँ है? जैफ कहाँ है? बेस्टियन जैफ कहाँ है? क्या वो नाना नानी के साथ है? सिर्फ एक तुम ही हो जो उसके जीने का सहारा है।
मरने की जल्दी क्या है फामा, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये रही, इसे पीकर देखो। कैसी लगी? ये क्या? ये दवाई है, चलो पियो। जाके सुकून मिला। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। बस करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और तुम्हारी वजह से वो हमें माफ दे सकता है। बेटी, मैंने बहुत गलत किया, मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। तुम्हारे पिता को तुमसे कोई शिकायत नहीं है? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। देखो, ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिताजी को दुख होगा। शायद आप सही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को मुझ पर फख्र हो। उन्हें अब भी है, अब उन्हें नाज होगा मुझ पर। चलो अपने नए दोस्तों से मिलो। ये तो ग्रग है। धीरे बोलो और इतने सवाल मत पूछो। तुम्हारे सामने ताकतवर फौज खड़ी है। ले जाओ, महाराज के खेमे में ले जाना और मेरे घोड़े का ख्याल रखना। संभाल कर। तो ये है आपका तुरुप का पता। ये तो किसान है स्टोन ब्रिज का। यही है। सोचने जैसी बात है, इस स्टोन ब्रिज के नाली के कीड़े पर राजा ने आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई है? क्योंकि राजा को इस नाली के कीड़े से खास लगाव है। इस लगाव की वजह जानना चाहूंगा। वजह तो राजा भी नहीं जानते। लगता है अब समय आ गया है कि आप दोनों को कायदे कानून से मिलना चाहिए। हम मिल चुके हैं। पिछली बार ये हमें पीठ दिखा के चला गया था। उस पल मुझे वही ठीक लगा था। मुझे लगा कि आप इस इंसान में दिलचस्पी लेंगे। जब हम इससे मिले थे तब से यह पूरी तरह से बदल चुका है। सभी में बदलाव आया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? शायद आपको नहीं मालूम कि यह आपका बेटा है। इसका एक दोस्त है नॉरिक। नॉरिक रानी के घोड़ों की देखभाल करता था। जब हम स्टोन ब्रिज में थे तब मैंने उसे पहचान लिया। ऑक्सली पास की मार काट के बाद नॉरिक को जंग के मैदान में करीब 3 साल का एक बेसहारा बच्चा मिला। ऑक्सली पास में वो एक लौता लड़का था। क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है फामा?
ये बुढ़ा एक 30 साल पुरानी पहचान निकाल लाया है। राजा बनाने का अच्छा तरीका है। तुम राजा के बेटे हो और सिंहासन के वारिस भी। मेरा कोई नहीं है, अनाथ हूं मैं। अपना वक्त जाया मत कर। तुम्हारा मतलब है कि यह बदतमीज आदमी मेरा बेटा है जिसने पिछले 30 साल स्टोन ब्रिज के किसी एक तबेले में बिताए हैं? लगता तो ऐसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने कहा था कि वो मर गया है, बताया था कि सारे लोग मर गए हैं। ऊपर वाला भी मेरे साथ कैसा मजाक कर रहा है। कभी कभी ऊपर वाला ही जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो? याद है ना हम कैसी मुसीबत में थे? हर तरफ लड़ाई थी, हम दुश्मन से घिरे हुए थे। अगर उस बच्चे को यहां महल में लाते तो वो कितने दिन बच पाता? स्टोन ब्रिज में पलने से ही वो ताकतवर बना है और दुश्मनों से भी बचा है, जो आपके बेटे और वारिस को खत्म करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। प्यारे दोस्त, बेहतर होगा कि तुम इस सच्चाई को परख लो। राजा को इस समय काबिल आदमियों की जरूरत है जो लड़ सके। ये मेरी मुसीबत नहीं है। उनकी रियासत पर खतरा है, तुम्हारी रियासत पर खतरा है। मैं राजा को नहीं जानता। सोलाना ही मेरी जिंदगी है। नॉरिक और बोस्टियन वो मेरा परिवार है। पर कहां रहोगे तुम? गैलियन के कब्जे के बाद क्या तुम अपनी बीवी को वो खुशी दे पाओगे जो पहले देते थे? जरा सोचो। फेलो, तुमने दगाबाजी की है। तुम्हारा यहां कोई हिस्सा नहीं। अगर कोई भी तुम्हारा हुक्म मानता है तो उसे भी गद्दार करार दिया जाएगा। हम किसी धोखेबाज को नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कमांडर टेरिस ने राजा को जहर दिया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती टेरिस। इनेप के राज्य पर मेरा जनता हक है और तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। महाराज, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे मेरे भतीजे, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है, ना अभी है न कभी होगी। ग्यारहवीं और बारहवीं टुकड़ी आपके साथ है महाराज। ओके पास ट्रक के पास तीरंदाज नहीं है, पर उन्हें डर भी नहीं है। वो हमें हरा सकते हैं, पर हम भी कुछ कम नहीं। हम सल्तनत के लिए हमारी जान भी दे देंगे। वो जानवर है और गद्दार है, उन्हें खत्म करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने क्या सोच रखा है। मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम हमारी तरफ से लड़ रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
सिपाहियों। तैयार हो जाओ। तीरंदाजो संभालो। भाइयों तैयार हो जाओ। ठीक कहा आपने। Thank you.
तैयार। हमला। हमला। ये कल लोग की तरह हैं। ये अभी बहुत सारे हैं। काफी नहीं है, जीतने में एक दिन से ज्यादा लगेगा। इनको मारने से कोई फायदा नहीं, अभी और आ रहे हैं। ये ऊपर वाले क्या इस तरह हमारे पापों का प्रायश्चित हो गए? नहीं नौरिक, ये हमारे पुण्यों का प्रायश्चित है। यहाँ पापों का ही बोलबाला है। माफ करना मेरे प्यारे चाचा, चलो। जाओ मेरे चाचा को बचाओ, ठीक है? वक्त के अलावा कुछ नहीं जीता। आ!
ऐसे नहीं जीना चाहता मैं। और मोनी की तरह हो गए हैं एक गुलाम। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। नॉरिक, शांत रहो। हम इन जंगलों से क्यों जा रहे हैं? हम जंगलों के बीच से महल तक पहुंच जाएंगे बिना फौज और पहरेदारों से लड़े। हम उसे आसानी से जीत लेंगे। अरे रे, ये चलो अब यहां से निकलो। इधर देखिए, राजा की एक दोस्त कितनी खूबसूरत है। जंगल में अकेली, क्या तुम्हें यहाँ किसी से डर नहीं लगता? तमीज से बात करो। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। कभी किया? तुम भरोसे के लायक कभी थे ही नहीं। हरकतें, तमीज, ये सब महलों की बातें हैं। और महल में नहीं है हम इस वक्त। यहाँ कोई कानून नहीं है ना? लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया। कानून सब जगह है, समझे तुम? तुम्हारी हरकतें तुम्हें नीचा दिखाती हैं। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। भागो, चलो ना, भागो, भागो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, भागो यहां से। नॉरिक, नॉरिक, यही चाहते थे ना आप कि आपकी शानदार मौत बहादुर की मौत मिली आपको। अलोना, अलोना, अलोना। भूख नहीं है। बहुत अच्छा लड़े आज वैशी दरिंदे।
बहुत बेदर्दी है। कोई भी मुश्किल आए तो सामना करना। मैं मेहनती आदमी हूं। ये तब काम आएगा जब राजा बनोगे। तुम्हें आज कैसा लगा जब तुम इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे थे? मेरा मतलब यह है कि क्या यह किस्मत है? तुम्हें बहुत सी खासियतें हैं, जानते हो, लोगों को संभालना। और हां, तुम दिल के साफ हो, यही तुम्हारी मदद करेगा। चतुराई हमारा हथौड़ा है और चालाकी हमारी कील। जब लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं तो वो कभी हिम्मत नहीं हारते। ये आपने कहां सुना? मैं अपने बेटे को सुनाता था हर रात जब वो बहुत छोटा था, और किसी को नहीं। आज के बाद तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मैं एक मामूली किसान हूं, इतना ही जानता हूं। तुम जानते हो उस छोटे से गांव को जो यहां से थोड़ी सी दूर पर है? वो साल में दो फसलें उगाते हैं। वो जमीन बर्बाद कर देंगे। नहीं, जमीन बर्बाद नहीं होती क्योंकि वहां जंगली पौधे हैं। ये जंगली पौधे समुद्र से आते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। कभी आजमा कर देखो। आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी होनी चाहिए जमीन के बारे में, ठीक जैसे तुम्हें होगी। जब तक राजा रहेंगे, जब तक जमीनें रहेंगी, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। तब तो ये जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये लड़ाइयां किस काम की अगर खत्म ना हो? तुम शांति के लिए लड़े, शांति जो एक सपना है, एक सपना की कभी तुम राजा होगे, वो शांति ला पाओगे हमेशा के लिए। आप जानते नहीं हैं, इन लड़ाइयों ने मेरा बेटा छीना है मुझसे। इसी ने मुझसे भी छीना था। जी कहिए। एक डोली उत्तर की तरफ जंगलों में ले जाओ, पता तो चले कि किसे हमारा इंतजार है। ठीक है। कमांडर, क्या है? देखिए कौन आया है। वैसे ये तो बहुत ही हैरानी की बात है।
ड्यूक फेलो अपना इंसाफ मांगने आया है। मुझे लगता है कि महाराज जिंदा है। जनरल बैकलर, इस आदमी को अपनी तलवार दो। बिना ढाल मुकाबला बहुत अच्छे। तुम्हें याद है बचपन में मैंने कितनी बार तुम्हें मात दी है टेरेश? कोई मुझे दे सकता है शराब की एक बूंद? क्या इंसान बिना ढाल के राजा की मदद नहीं कर सकता? शुक्रिया। मौत हो गई, वो अब नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। नहीं, ये नामुमकिन है। अब मैं हूं तुम्हारा राजा। नहीं, तुम राजगद्दी के लायक ही नहीं हो। कमांडर टेरेश, तुम फर्ज से बंधे हुए हो, तुम अपने नए राजा को नहीं मार सकते। अब इस राज्य पर मेरा हक है। राजा की लंबी उम्र हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। इसे नीचे रखो। ऐप की जनता, ऐप के सिपाहियों, कुछ देर पहले हमारे चहीते राजा कैन रीड गुजर गए। अपने ही लालची गद्दी के भूखे भतीजे के हाथों मारे गए। हमारे कानून के मुताबिक गद्दी का हकदार सिर्फ वही होता है जो राजा के खून से जुड़ा होता है। मैं मिलवाता हूं आपके नए राजा से कैन रीड का खोया हुआ बेटा कंडेन कैन रीड, जो जाना जाता है फॉर्मर के नाम से। राजा की जय हो। नया राजा जिंदाबाद। नया राजा अमर रहे। राजा की लंबी उम्र हो। जय राजा का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। खड़े हो जाओ, सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। राजा ने तुम्हें मौत को पछाड़ने को कहा है, एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दो।
हमारे दुश्मन को कमजोर मत समझो। वो अपनी नई ताकत से दोबारा हमला करेंगे। आज रात घायलों को ठीक कर दो, मुर्दों को दफना दो। कल हमारा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। शैतानों को घोस कर मारेंगे। ऊपर वाला राजा को बचाएगा। क्या चाहते हो? इन्हें ले जाओ, इन्हें दूसरों के साथ ले जाओ। रुको, उसको यहां लाओ। अब जाओ। कुछ महसूस हो रहा है तुम में से। वो फार्मर वो तुम्हारे लिए आएगा, ये तो तय है। और मुझे पूरा यकीन है खुद। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। हाँ, लेकिन वो सब कुछ है मेरे लिए। एक फार्मर से ज्यादा खतरनाक है वो शख्स। अब मेरे पास आओ। कैसे जानते हो तुम मुझे? हिलो मत, मैं तुम में उसे देखता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास उसका बेटा है। वो तुम्हारी कोख में है। तुम कहां से? ग्लासन से। वो मुझे घर से खींच कर लाए। हम तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। हम यहीं मर जाएंगे। अलविदा मेरे दोस्त। हम इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे? जहां तलवारें काम नहीं आती वहां खंजर काम करते हैं। ये पहेलियों का समय नहीं है। एक छोटी सी टुकड़ी ग्रक के घेरे में घुसकर उसका काम तमाम कर सकती है। एक बार ये गैलियन हाथ लग जाए जिंदा दफना दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, क्या ये लड़ाई औरत के लिए है जबकि पूरी सल्तनत दांव पर लगी हुई है हमारी? अगर इन्हें अपनी बीवी को बचाना है तो उन्हें गैलियन को मारना होगा। यदि गैलियन मर गया तो रियासत बच जाएगी। म्यूरियला, अब तुम्हारी बारी है। महाराज, मुझे भी इस काम में अपने साथ शामिल कर लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा मान लेते हैं, लेकिन तुम महल में वापस जाओ। मैं अपने पिता की बेटी हूँ और मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूं। राजा के खूनी को तुम ही लाई थी। वो अचानक हाथ लग गया था। जितनी मदद मिले हमारे लिए अच्छा है।
हमें तुम्हारी बात मंजूर है। और भी कुछ लोग हैं जो तैयार हैं। कौन है बोलो? चलिए मैं दिखाती हूँ। तो तुम जिंदा बच गए। मौत का गम किसे? जिनसे तुम लड़ोगे, जिन क्रत को तुम मुट्ठी में करोगे, उस लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन आदमियों की लड़ाई में तुम मुकाबला ना करो तो ही अच्छा। ये लड़ाई यहाँ से दूर नहीं होगी, ये हम जानते हैं। और अगर हमारे जंगल जले या कोई यहाँ घुसा तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और फिर हम अकेले चले जाएंगे। इस जमीन को स्वर्ग जैसी जगह बनाएगी। महफूज, जब अंदर के दरवाजे खुलेंगे वहां से अंदर जा सकते हैं। जादुई हवा में घुसने के लिए मुझे दरवाजा नहीं चाहिए। मैं रास्ता निकालूंगा। क्या तुम्हें लगता है तुम किस्मत से जिंदा? मुझे लगता है जिंदगी इतनी जोशीली नहीं थी पहले। जो लोग मेरे साथ यहाँ आए हैं उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया ये जाने कि तुम कितने ताकतवर और दयालु हो? तुम कुछ समझती क्यों नहीं? मैं दया से दूर हूँ, मैं अच्छे और बुरे से दूर हूँ। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। मैं दुनिया की बनावट ही बदल रहा हूँ। मेरा क्या होगा अगर मैं तुम्हारे दोस्तों पर दया दिखाऊं? हो सकता है कि किसी को नहीं मिलेगी रियायत, किसी को नहीं, ना तुम्हें, ना फार्मर को, ना तुम्हारे पेट में पल रही उस फार्मर की आखिरी औलाद को। मारो मुझे, मार दो। तुम्हें तड़पाने में मजा आ रहा है। हर एक इंसान की मौत तय है। हाँ, हो सकता है, पर ये नहीं होगा। मुझे अभी बहुत काम करने हैं। सब लोग तैयार हैं? अपनी अपनी जगह ले लो। तैयार? वीरदास, तैयार हो जाओ। Get off!
वहां ऊपर एक गुफा है, उसमें सिर्फ हवा ही घुस सकती है, और अब मुझे जाना होगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर उस पागल में जरा सी इंसानियत बाकी है तो मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा। शैतान से बहस नहीं करते मैरिक, पर कम से कम मैं उसका ध्यान तो बटा पाऊंगा। जानता था तुम आओगे मेरे प्यारे। हम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर तुम काफी बदल चुके हो। अच्छा, जादूगर राजा के लिए ताकत का खजाना होता है, पर तुमने तो राजा के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया हुआ है। तो कैसे लगे मेरे ग्रह? ये बहुत भद्दे और बेरहम है। ग्रह के लिए मजेदार बात, उनका कोई राजा नहीं। तो बताओ मैंने क्या किया? मैं नहीं जानता, मैंने खुद को राजा बनाया, ग्रह का राजा। अब मैं उसका नौकर हूँ जिसकी मैं सहजल इबादत करता हूँ। खुद की बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। गैलियन, तुम और मैं जादू की आखिरी कड़ी है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानते कितनी ताकत होती है पागलपन में। मेरे राज्य में पागलपन जैसी कोई चीज नहीं, हम उसे कहते हैं बस ताकत। अब इस लड़ाई को बढ़ाने का मतलब नहीं। मरियला, मरियला, कैसे हुआ पता नहीं। मैं इतना बेवकूफ आखिर कैसे हो गया?
माफ करना, मुझसे मेरी आखिरी जादुई ताकत ले लो। हमें काफी परेशान किया है फार्मर, तुम राजा हो ये तो मैं समझ चुका हूं। अब एक ही सल्तनत अपने दो राजा आपस में नहीं लड़ सकते। हम दो राजा कब तक बार बार आपस में लड़ते रहेंगे? किसी को तो दुश्मन के खून का स्वाद चखना होगा। तुम लड़ोगे या सिर्फ बकवास ही करोगे? इस्तेमाल कर रहे हो, कहां है तुम्हारी इंसानियत? Come on!
मेरा भी अपना प्रतिशोध है। फार्मर, पिता के प्रतिशोध की, पति के प्रतिशोध की या राजा के प्रतिशोध की? तुम एक माँ के बदले का प्रतिशोध भूल गए। एक बात मैं तुमसे हमेशा कहना चाहता था, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। Truth.
Nobody knows the meaning behind the weirdest line. Well, nobody else but the North can see through the flaming fires of time and how things will proceed as the child of the hello will speak to you now. See me in the shadow. Songs I will sing of tribes and kings, the carrion bird and the horn of the slain. Nothing seems real, you soon will feel, the world we live in isn't a scar. Breathe in the shadow, breathe in the shadow. Too high. How bitter your treason, how bitter the lie. Remember the rooms and remember the lies. I ever wanted to be at your side. We'll gladden the raven, now I will run through the blazing fires, that's my choice. Cause things shall proceed as possible.